हेलो दोस्तों जय हिंद कैसे हो आप सब एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों ऐसे कि आपको पता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ऑपरेटर की जिसमें रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है ठीक है दोस्तों तो उसके बारे में आज बहुत ज़्यादा एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ खासकर रे, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के जी हाँ दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप सब बहुत से स्टूडेंट सब पूछते रहते हैं कि सर इसका किस मंथ में एग्ज़ाम होगा ठीक है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा साथ ही साथ कितने मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है वो बात मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ठीक है दोस्तों तो ज़्यादा वीडियो को देरी ना करते हुए मैं आपको चलिए बताता हूँ बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे ज़रूर दबा देना ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी आपका एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा तो दोस्तों मैं आपको क्लियर क्लियर बता दूँ जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि मैंने अपने जो डिपार्टमेंट में ही है उसको ख़ुद को अपने दोस्त को भेजा था क्योंकि मेरी तो पोस्टिंग काफ़ी दूर है लखनऊ यू पी बोर्ड से जहाँ पर क्वार्टर है बट उसकी पाँच छः किलोमीटर दूर है और गया भी था उसने मुझे क्लियरली जो बात बताई है वहाँ पर जो ऑफिसर्स ने उसे बात कही है वो यही कही है क्लियर क्लियर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पंद्रह नवंबर के बाद कभी भी हो सकता है पंद्रह नवंबर से लेकर इकत्तीस दिसंबर के बीच कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है ठीक है दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर क्लियर बता दूँ ठीक है दोस्तों मतलब उन्होंने क्लियर यही कहा गया है कि पंद्रह नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा और जिस बात का एक प्रूफ भी है बता दूँ दोस्तों अभी अभी कल परसों में एक नोटिस आया है यू को लेके इसमें एक आ गया है यू के सभी जितने प्रोसेस थे कंप्लीट हो चुका है और सभी बच्चों का मेडिकल भी हो चुका है ठीक है दोस्तों अब बस वो ट्रेनिंग में जाके जाने बाकी रह रही हैं और साथ साथ तो उस नोटिस में भी कहा गया था जिस भर्ती का फॉर्म अब फॉर्म अभी भर चुके हैं मतलब उस भर्ती के लिए अब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो समझ जाइए आप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अब सिर्फ यही भर्ती रह रही है इसके फॉर्म भर चुके हैं क्योंकि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की अभी कोई भी भर्ती नहीं है ठीक है दोस्तों एंड इसी के ही अभी आपके फॉर्म्स मतलब भरे गए हैं तो मैं दोस्तों बता दूं इस बात का भी है कि आप साइन देख सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होने वाला है ठीक है दोस्तों आप ये मत मान के चलो ये मान के चलो आपके एग्ज़ाम डेट आ गई क्योंकि मैं आपको बता दूं एक हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड के पता चल जाएगा ठीक है दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मुझे जहाँ तक की उम्मीद है आपका पंद्रह नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम हंड्रेड आपको देखने को मिलने वाला है जिसमें आपका नोटिस भी आ गया था तो दोस्तों आप गेट रेडी रहिए अपने एग्जाम के लिए ये मत सोच के चलिए कब का कब होगा क्योंकि ये बात मैं हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि वो खुद बंदा हम सारे विभाग की बात है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में भी क्लियर क्लियर कहा गया था कि अब अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर, कर दी कर दी है ठीक है दोस्तों जहाँ तक कि पुलिस कॉन्स्टेबल की बात है उसकी भी आपका जल्दी ही आपका आपका नोटिफिकेशन आने वाला है ठीक है अब बात कर लेते हैं कितने मंथ्स की ट्रेनिंग होती है दोस्तों मैं बता दूँ इसकी जो ट्रेनिंग होती है पूरे एक साल की ट्रेनिंग होती है ठीक है दोस्तों एक साल ही कैसे हो बात मिलता तो देखो पहले जो सिक्स मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी वो बेसिक ट्रेनिंग होगी ठीक है बेसिक ट्रेनिंग में आपको सब चीज़ सिखाएंगे सभी एमुनेशन जितने भी पुलिस में एमुनेशन हैं ठीक है दोस्तों वो चाहे कोई से भी हो सब को आपको चलाना सिखाएंगे कैसे उसमें आपका रीलोड अनलोड होती है सब चीज़ मतलब मैगजीन सब चीज़ सिखाएंगे साथ ही साथ स्विमिंग हॉर्स राइडिंग अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स और पढ़ाई ठीक है साथ साथ आपको स्टडी भी कराई जाएगी ठीक है दोस्तों ये आपका छः महीने में जिसे हम बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं ये कॉन्स्टेबल से ले सब डी एस तक सब चाहे चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे हेड कॉन्स्टेबल हो सब इस बेसिक ट्रेनिंग आपके छः महीने की जरूर करते हैं ठीक है दोस्तों अब उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट छः महीने की ट्रेनिंग होगी वो आपकी अलग होगी अल अपने अपने जोन्स में जिसमें आपको आ, ये जो आप रेडियो ऑपरेटर समवर विभाग से तो रेडियो के बारे में जितने भी आपके आपके थाने में या चौकीय पर जितने भी आपके इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा कि ये कैसे काम करता है कैसे वर्क करते हैं क्या क्या इसमें चीज़ लगी हुई है और क्या क्या इससे होता है ठीक है दोस्तों तो अगले छः महीने आपको ये चीज़ सिखाई दिया जाएगी और उसके बाद आपको पासिंग आउट परेड करा के आपको अपने 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 ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा ठीक है दोस्तों जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग करनी है ठीक है दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे बाकी इससे रिलेटेड रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना ओके जय हिंद